उन्हेर जिले के प्रखंड मांडू के अंतर्गत उत्तरी तापीन कोयला खदान से कोयला ढोने का काम सैकड़ों डंपर करते हैं। डंपरों में कोयला ओवरलोड होने के कारण रास्ते में कोयले गिरते जाते हैं, जिसकी वजह से जान माल का खतरा तो बना ही रहता है, साथ ही साथ सड़क के किनारे के दुकानदारों को हर रोज धूल का सामना करना पड़ता है। ओवरलोडिंग के चलते ही होता है, जहाँ गर्दा गिरता है कोयला का और तिरपाल नहीं ढक के जाता है सही से, इसलिए कोयला का यहाँ गिरता है कोयला, डस्ट होता है, उसको अच्छा से ढक करके ले जाए और ओवरलोडिंग यहाँ से बंद करे और पानी का छिड़काव बराबर यहाँ करा के दो टाइम से उनके शाम सुबह करे। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी सीसल प्रबंधन से सब हम लोग को तो बोलते हैं, मगर इस पर ध्यान नहीं देता है सीसल वाला, कहता है कि उधर हम नई गाड़ी लेके जाएंगे, दिक्कत है, गाड़ी ट्रक लगा रहता है, मेरा वर्कर को अगर कोई तरह का बात हो जाएगा तो इसको है सो पैसा भरना पड़ता है प्राइवेट वाला को, गाड़ी तो लग जाएगा अगर किसी का गाड़ी में तो उसको प्राइवेट वाला को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए मेरा वर्कर नहीं जाएगा उधर। खाने पीने में डस्ट चल जाता है, कस्टमर लोग बोलता है डस्ट पूरा, मतलब दिक्कत है, और ये प्रोग्राम में पूरा मतलब गंदा होता है, बार बार बर्तन साफ करने का होता है, पानी का प्रॉब्लम है ना। तो हमने इसके लिए आंदोलन भी किए थे, आंदोलन में कुछ वार्ता हुआ प्रबंधक के साथ, आश्वासन मिला कि ठीक है आप लोग को पानी छिड़काव होगा, लेकिन पानी छिड़काव तो होता नहीं है, ऊपर से इतना ओवरलोडिंग है कि कोयला गिरता है टायर में चढ़ता है वो सत्तू बन जाता है, बनने के बाद दूसरा गाड़ी आता है उड़ा देता है, सबके चेहरा में अंदर में घुस जाता है, अभी तक कोई ऐसा पहल नहीं हुआ है। मैं आपसे भी वीडियो देखने वालों से अपील करती हूँ कि उत्तरी तापीन उत्खनन परियोजना पदाधिकारी RDC को उनके कॉन्टैक्ट नंबर 8987784299 पर कॉल कर इस समस्या से अवगत कराएं, ताकि सड़क पर हर रोज पानी का छिड़काव किया जा सके, जिससे लोगों को धूल से निजात मिल सके। मैं बसंती सोरेन, झारखंड के रामगढ़ जिले से, इंडिया अनहर्ड के लिए।